हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यस रली क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कल ही लॉन्च हुआ था, हमारे पास बीबीए प्रोग्राम जो न्यू कोर्स लॉन्च किया है एएमयू ने फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में। ओके, सो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया गया था कि हमारे पास 27 अगस्त को इसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, इसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स की रहेगी। तो उसके बारे में हमने सिलेबस के बारे में देखा था कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस के बारे में जब हमने डिस्कशन किया था तो हमारे पास था लैंग्वेज स्किल। ठीक है, तो लैंग्वेज स्किल की अगर हम बात करें, तो लैंग्वेज स्किल जो हमारे पास पूछा जाएगा एग्जाम में, उसका जो वेटेज होगा वो होगा 25 मार्क्स का। ओके, लैंग्वेज स्किल्स हमारे पास कितना पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का पूछा जाएगा लैंग्वेज स्किल, यानी कि इंग्लिश का पार्ट आपसे पूछा जाएगा। अभी इसके फर्दर डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी से जो हमारे पास पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, वो हमारा 20 मार्क्स का, यानी कि जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, और ये जो मैथमेटिक्स होगी अप टू 10th स्टैंडर्ड तक की रहती है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, 20 मार्क्स। नेक्स्ट है हमारे पास रीजनिंग, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास रीजनिंग का। ओके, रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है, दैट इज 30 मार्क्स। ओके, 30 मार्क्स की रीजनिंग है, इसमें डीआई के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। एंड नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस। ओके, तो जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है कितना है, वो 25 मार्क्स का। तो सबसे ज्यादा वेटेज बेटा किसका है, रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है, बाकी आपका लैंग्वेज स्किल 25 और जनरल अवेयरनेस 25, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी कितना है, 20 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। ये होगा आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। एंड देयर आर टोटल 40 इंटेक्स। बेटा कितने इंटेक्स है, टोटल 40 इंटेक्स, यानी कि टोटल देयर आर 40 सीट्स। ओके, और कोई भी स्ट्रीम का बच्चा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, गर्ल्स बॉयज साइंस, ओके साइंस है, डिप्लोमा है, कोई भी बच्चा कर सकता है बेटा। ओके, यहाँ पर बीबीए प्रोग्राम जो कि क्या है, कॉमर्स फैकल्टी में है। ठीक है, और इसका टेस्ट होने वाला है 27 अगस्त। 27 अगस्त में इसका टेस्ट आपका होने वाला है। ठीक है, 40 सीट्स आर देयर। ओके, देयर आर टोटल 8 सेमेस्टर्स, यानी कि 4 साल का आपका ये बीबीए प्रोग्राम रहेगा। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग कि भाई क्या इसका सिलेबस हो सकता है, यानी कि ये अभी तक सिलेबस उन लोगों ने बताया नहीं है कि इसका ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से तैयार नहीं है, बट ये मैं अपने बिहाफ पे आप लोगों को स्टूडेंट्स बता रहा हूँ कि आपके क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक आध दिन में वो अपना सिलेबस भी आपको पब्लिक आपको बता दिया जाएगा, बट फिर भी जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये सिलेबस रहेगा हमारे, अगर लैंग्वेज स्किल्स की बात करें यानी कि इंग्लिश का, तो क्या रह सकता है हमारे पास, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्या होगा बेटा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, दूसरा वोकैबुलरी। ओके, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, दूसरा हमारे पास क्या होगा, वोकैबुलरी होगा। पहला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, दूसरा क्या हो गया, वोकैबुलरी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, अब यहां पर वोकैबुलरी में हमारे पास टेस्टिंग कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज एंड कॉन्टेक्स्टुअल यूसेज, ग्रामर। ठीक है, ग्रामर है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा जंबल, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, फिर आगे यहां पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बेटा ये सारी चीजें हमारे पास इंग्लिश जो लैंग्वेज स्किल्स है, जो कि हमारा 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, इसका ये सिलेबस बन सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की। न्यूमेरिकल एबिलिटी में अर्थमेटिक अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम के बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, पाइप्स एंड सिस्टम्स। एलजेब्रा में क्या क्या पूछा जाता है, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी एंड जीपी, लाइन एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया एंड पैरामीटर्स ऑफ वेरियस शेप्स, मैंसुरेशन। ओके, मैंसुरेशन की क्या गया, एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ 2D एंड 3D शेप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल्स, क्यूब्स, सिलेंडर्स, स्फीयर्स। ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ओके, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बेटा ये पार्ट है हमारा किसका, ये पार्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जो हमारे एग्जाम में कितने का पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का। कितना, 20 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। ओके, इसमें से टॉपिक्स कम हो सकते हैं, ठीक है, रहेंगे, बट इसमें से इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि एक दो दिन में अगर आपका सिलेबस आने वाला है तो आप अगर इनमें से बेटा आज से पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपके पास एक दो दिन ज्यादा आपको और लोगों से मिल जाएंगे। ठीक है, वर्बल रीजनिंग। ओके, रीजनिंग की बात करते हैं, जो हमारा सबसे ज्यादा वेटेज है, दैट इज 30 मार्क्स। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, पजल टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस। नॉन वर्बल में सीरीज नॉन वर्बल, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, क्यूब्स एंड डाइसेस, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, एम्बेडेड फिगर्स। ओके, तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये इतने जनरली नहीं होंगे,
आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे सर इतना ज्यादा सिलेबस है, नहीं इसमें से कुछ सिलेबस होगा आपका, लॉजिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म हो गया, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग, ओके, डेटा सफिशियंसी की बात हो गई थी, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिटिकल रीजनिंग, पजल एंड गेम्स, ठीक है। बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये मैंने अपने बिहाफ पे आपको बताया है कि ये सिलेबस आपका हो सकता है, ओके, सपोज टू बी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हमारे पास नेक्स्ट जो है जर्नल अवेयरनेस, तो जर्नल अवेयरनेस 25 मार्क्स का हमसे पूछा जाएगा, उसमें क्या क्या चीजें पूछे थे, करंट अफेयर्स यानी कि नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स एंड न्यूज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स एक्सेट्रा, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, मेजर डेवलपमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट एक्सेट्रा, ओके, हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स, सिविलाइजेशन एंड मूवमेंट्स, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि अर्थ स्ट्रक्चर, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, माउंटेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी कंट्रीज, कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट सिटीज एक्सेट्रा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एक्सेट्रा, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स फीचर्स एंड अमेंडमेंट्स, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, रूल्स एंड फंक्शंस, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, इकोनॉमिक्स से क्या पूछे, बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, डिमांड एंड सप्लाई, जीडीपी, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग, बजट, बैंकिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ स्पेस, आईटी, मेडिसिन एक्सेट्रा, स्पोर्ट्स से क्या क्या पूछे, मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स, टूर्नामेंट्स एंड चैंपियनशिप्स, नोटेबल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज एंड देयर अचीवमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड ओनर्स, आर्ट एंड कल्चर, मिसलेनस, ओके, ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स रहेंगे जर्नल अवेयरनेस से। सो स्टूडेंट्स, ये ऐसा लगता है मुझे ओके, ये सिलेबस हमारा बीबीए जो एग्जाम हमारा होने वाला है 27 अगस्त को, उसका ये सिलेबस हो सकता है, ओके। अगर बेटा वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये सिलेबस के बारे में पता चल सके, ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे रिलेटेड कोई भी बीबीए से रिलेटेड हम कोई भी वीडियो लेकर आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।